जिला सांबा के सुम ब्लॉक के समोठा गांव में पड़ने वाले बसंतर दरिया में रविवार को बहे युवक सचिन सिंह का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम की तरफ से, इसी के साथ साथ पुलिस टीम की तरफ से, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। और आज लगातार दूसरे दिन जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है एसडीआरएफ और पुलिस की तरफ से, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। एसडीआरएफ का साथ देने के लिए स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं अगर परिजनों की बात करें सचिन सिंह के, तो वो काफी ज्यादा परेशान है, मायूस हैं। वो लगातार एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका बच्चा जो है वो सही सलामत मिल जाए। लेकिन आज जो है अगर देखें उस वाक्य के बाद तो तीसरा दिन है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जिस तरह से चलाया गया तो सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है, लेकिन कोई भी सुराग अभी तक हाथ नहीं लग रहा सचिन सिंह का। लेकिन लगातार हम भी दुआ कर रहे हैं और हम लोगों से भी ये कह रहे हैं कि आप भी दुआ करें कि सचिन सिंह जो है वो सकुशल मिल जाए। लेकिन न जाने वो कहां पर फंस गया है, कहां पर है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। क्योंकि बसंतर दरिया की बात करें तो ये पहाड़ी इलाका है सुम ब्लॉक का, ये वहां से होता हुआ बसंतर दरिया जो वो गुजर रहा है। लेकिन डोगरी में कहते हैं कि दरिया के बीच में कहीं कुप्पड़ भी होते हैं, तो हो सकता है कि वहां किसी चट्टान में या कुप्पड़ में जो वो फंस गया हो, रेत काफी ज्यादा होती है या कहीं दब ना गया हो, इस तरह की चीजें जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकती है। लेकिन अब तभी पूरी जानकारी सामने आ पाएगी जब सर्च के दौरान कोई सुराग हाथ लगेगा, कोई जानकारी हासिल जो वो हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इंसिडेंट सामने आया जिस तरह से सचिन सिंह 20 से 22 वर्ष का ये युवक जिला सांबा के सुम ब्लॉक के ही सरला गांव का रहने वाला, जो कि दरिया को क्रॉस कर रहा था और पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके चलते लगातार सर्च ऑपरेशन सचिन सिंह को ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। देखिए हमारी एक और आज की खास रिपोर्ट सर्च ऑपरेशन की। Thank you.